हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस को चालू कर दिया है। अब SBI की बहुत सारी सर्विस को हम व्हाट्सएप पर एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें बार बार इंटरनेट बैंकिंग की या एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी, हम व्हाट्सएप के जरिए अपनी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीट प्रोसेस जानेंगे कि SBI की व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस का लाभ हम किस तरीके से ले सकते हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। तो सर्विस का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक नंबर सेव करना है जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया गया है, 9022690226। ये नंबर सेव करके आपको व्हाट्सएप पर सिंपली हाई का मैसेज सेंड कर देना है। मैं यहाँ पर हाई का मैसेज सेंड करता हूँ। हाई का मैसेज सेंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ SBI व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस, यानी हम SBI व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस में हिस्सा नहीं लिया है, हमने इसमें अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों नीचे दो ऑप्शन दिखाए गए हैं कि आप SBI के कस्टमर हो, तो यहाँ पर आपको 1 प्रेस कर देना है और उसके बाद यहाँ पर मैसेज आपका सेंड कर देना है व्हाट्सएप पर, यहाँ पे इसी तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा SBI व्हाट्सएप बैंकिंग में। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक SMS सेंड करना है। SMS दोस्तों इस नंबर पर सेंड करना है जो यहाँ पर लिखा है, 7208933148। इस नंबर पर दोस्तों आपको टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है, व्हाट्सएप मैसेज सेंड नहीं करना है। और यहाँ पर मैसेज में क्या लिखना है ये भी दिखाया गया है, WARG ये लिखना है दोस्तों आपको कैपिटल लेटर में, और दोस्तों स्पेस देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। मैंने दोस्तों अपने मोबाइल में नंबर लिख दिया है और जो मैसेज मुझे भेजना है वो यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखा है। उसके बाद यहाँ पर इसे मैं सेंड करता हूँ। सेंड करने के तुरंत बाद दोस्तों आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, यू आर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और आप देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ चुका है कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अब हम SBI की बैंकिंग सर्विस का लाभ आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर बैंकिंग सर्विस का लाभ लेने के लिए आपको हाई का मैसेज करना है और उसके बाद देखेंगे हम किस किस सर्विस का यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। मैं एंटर करता हूँ हाई का मैसेज करके। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी सर्विस का हम लाभ ले सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम दो सर्विस का लाभ ले सकते हैं, अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा हमें अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए या तो हमें UPI की जरूरत होती है या नेट बैंकिंग की जरूरत होती है या हमें बैंक जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप बिना ATM कार्ड के केवल आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप व्हाट्सएप बैंकिंग के जरिए आसानी से अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पर हमें 1 प्रेस करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी हमारा अकाउंट बैलेंस होगा यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे अकाउंट नंबर आ चुके लास्ट की 3 डिजिट, यहाँ पर अकाउंट बैलेंस आ चुका है, हमारे अकाउंट में 17,000 रुपए है और डेट और टाइम भी आ चुका है, किस डेट और किस टाइम को यहाँ पर हमने बैलेंस चेक किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया मिनी स्टेटमेंट अगर हमें चेक करनी है तो यहाँ पर उसके लिए 2 प्रेस करना है और उसके बाद एंटर में कर देता हूँ। 2 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारी मिनी स्टेटमेंट दिखा दी जाएगी, यहाँ पर क्या क्या हमने ट्रांजेक्शन की है। यहाँ पर लास्ट 5 ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पर 25 रुपये कटे हैं, उसके बाद यहाँ पर 500 रुपये कटे हैं, यहाँ पर 300 रुपये डेबिट हुए हैं और दोस्तों 5,000 रुपये यहाँ पर हमारे क्रेडिट हुए हैं और यहाँ पर 9,500 रुपये हमारे खाते में क्रेडिट हुए हैं। यानी जो भी आपका बैलेंस कटता है या आपके खाते में बैलेंस आता है उनकी लास्ट 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं। दोस्तों SBI ने व्हाट्सएप बैंकिंग की नई सर्विस चालू की है, हो सकता है भविष्य में SBI द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग में और भी सर्विस को ऐड किया जाए। अगर आप दोस्तों SBI की व्हाट्सएप बैंकिंग से बाहर होना चाहते हैं यानी एग्जिट होना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जिट भी हो सकते हैं, यहाँ पर 3 आपको प्रेस करना है। 3 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम SBI की व्हाट्सएप बैंकिंग से आसानी से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर आप यस टाइप करेंगे तो यस टाइप करने के बाद आप SBI की व्हाट्सएप बैंकिंग से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों यही थी जानकारी कि किस तरीके से हम SBI की व्हाट्सएप बैंकिंग को यूज कर सकते हैं और अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपनी मिनी स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।